हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आई एम फ्रॉम क्लास 10th एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासाइटिक एंड तीसरा होलोजोइक। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसका एग्जांपल होता है एगैरिकस और ईस्ट। सेकंड होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं बिना उन्हें किल किए, और वो जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं। तीसरा होता है होलोजोइक। होलोजोइक में हम भी आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली इनटेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर जो भी होते हैं सारे होते हैं। थैंक यू। Thank you.